में किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान में किसानों का प्रभारी। ये एक देश की जीत है, किसानों की जीत है। इसमें कहीं ना कहीं मोदी को अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से सत्ता हिलती देख को मोदी ने जो ये फैसला लिया है, ये यूपी और पंजाब में जो किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है उससे इनकी सरकार को खतरा है, इसलिए इन्होंने ये तीन काले कानून वापस का फैसला लिया है। नहीं, काफी समय से जो किसान यहाँ पे मर रहे थे, सर्दियों में बैठे थे, जब इन्होंने किसानों से कहा था कि तुम तो किसान भी नहीं हो, तुम तो खालिस्तानी हो, मैं तो कई कई आरोप लगाए थे, आज उसी किसान कानून को वापिस लेने का इनका क्या तात्पर्य रहा? कहीं ना कहीं सरकार किसानों के सामने झुकी, और झुकने का कारण यह है कि वो अपनी सत्ता की जो कुर्सी है उनकी हिल रही है, इसी के कारण उन्होंने अपना किसान कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। यह है, हम पहले ही कह रहे थे कि जीत किसान की होगी और देश की होगी, पर जो किसान है वो हमारा अन्नदाता है, उसके खिलाफ अगर सरकार जाती है तो कहीं ना कहीं भगवान भी इस चीज का निश्चय करते हैं कि सरकार का जो घमंड है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे ये कहा है कि किसानों का जो जो ये उनका फायदा बता रहे थे, आज उसी फायदे को इन्होंने वापस खींचने का मतलब होता है कि इनकी कुर्सी हिल रही है। कहीं ना कहीं सरकार को पता चल रहा है कि अभी ये पांच राज्य के जो उपचुनाव हुए थे उसमें भाजपा बहुत बुरी तरह से नकार दी गई, इसी के कारण उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम वापस लिए, आज उन्होंने कृषि कानून वापस लिया। तो सरकार और सत्ता डगमगा गई है, जनता का फैसला उनको मानना पड़ा, देश की जीत हुई, किसान की जीत हुई। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जी का फैसला किसानों के हित में जो किया है वो हम उसकी सराहना करते हैं, किसानों की जीत पे अब किसान वापिस अपना काम पे लग जाएगा, और इनके जो इन्होंने जो रद्द किए है अब वो सुचारू रूप से पहले की तरह चालू रहेंगे। देखो, जब मोदी जी ने सब मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि अब कानून को मैं वापस ले रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोच समझ के लिया है, इस पे सब किसान विचार करके इनको वापस करना अब जरूरी है किसानों को भी, क्योंकि सरकार ने इनकी वापस मांग मान ली गई। देखो, किसानों की कुछ मांगे होती है वो बैठ के अब विचार विमर्श हो जाएगा, आपस में सरकार और किसान एक दूसरे पे बैठेंगे, तो जैसे उनकी भी मांगे कुछ इनकी भी मांगे उसी हिसाब से काम न होगा। हम ये देखते हैं कि अगर इंसान संघर्ष करे तो सत्य हमेशा जीतता है और जो बुराई है वो हमेशा हारती है। जो कानून होते हैं वो गैर काले कानून थे, इसके लिए जनता बहुत आहित हो चुकी थी। किसान धरने पे बैठा था, सर्दी में बैठा था, किसानों की लाचारी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि सरकार उन पे कुछ भी नहीं देख रही, काफी किसान मर गए पर कभी भी किसी भाजपा ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, उनके प्रति कोई संवेदना नहीं दी। आज सत्ता हिलती देख और उपचुनाव में हार देखकर भाजपा की जो सरकार है उन्होंने मतगणना करने के बाद ये फैसला लेना पड़ा कि अगर हमने कानून वापस नहीं लिया तो भाजपा यूपी से बाहर हो जाएगी और सत्ता यूपी के दरवाजे से केंद्र में बैठती है, इसलिए मोदी की सरकार हिल गई थी। हाँ, ये ही निश्चित है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी के चुनाव आ रहे हैं, उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं, पंजाब के आ रहे हैं, दो राज्य गोवा और परली तरफ के आ रहे हैं, साउथ के आ रहे हैं, तो इनको देखने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा की कोर कमेटी ने बैठक में फैसला लिया होगा, इसी के कारण इनको बाहर का रास्ता करना पड़ा और किसानों के पक्ष में फैसला देना पड़ा। शर्मा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी रेवाड़ी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कृषि कानून निरस्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं।
साथ ही उन किसानों ने जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपने प्राण त्याग दिए उनको नमन करता हूँ। इस गुरु पर्व पर यह एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा है कि इतने लंबे आंदोलन की जीत हुई है और तानाशाही मोदी सरकार की हार हुई है। यह कानून निरस्त करके मोदी जी ने एक सराहनीय कार्य किया है। इसके साथ साथ MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लिखित रूप में दें ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी किसान अपनी फसल का पूर्ण रूप से कीमत पाए और उसे किसी प्रकार की दुख महसूस ना हो। ये कानून निरस्त करके मोदी जी ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है और इस कानून को निरस्त करवाने में किसानों का, गरीब मजदूर वर्ग का बहुत ही विश्वास रहा है। आज उनके विश्वास की जीत हुई है। धन्यवाद। ये फैसला ठीक लिया है। अगर ये मेरा सरकार से ये अनुरोध था कि आज से अगर कुछ दिन पहले और फैसला ले लिया जाता तो और अच्छा था, क्योंकि काफ़ी दिनों ये एक साल भर से जो चला हुआ था धरना प्रदर्शन, इसमें आम जन भी दुखी था, आम जन के लिए दिक्कत पैदा हो रही थी और काफ़ी लोगों की जो जान मान की हानि हुई है उससे भी हमें बचा जा सकता था। फिर भी ठीक रहा। नहीं, ये तो है ही, ये राजनीतिक का तो था ही। अगर ये फैसला वापस नहीं होता तो जो भी अभी जिन जिन स्टेटों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें इनको परिणाम जल्दी ही इनको मिल जाते। ये बिल्कुल ये सरकार तानाशाह कर रही थी, है अपना अड़ियल रवैये के ऊपर अड़ी हुई थी, लेकिन ये आम जनता की अपनी जीत है ये। और सरकार को भी पता लग गया कि भाई लोकतंत्र में तानाशाह नहीं चलता। हाँ, हमें उम्मीद है अब सभी किसानों ने जब ये तीनों कानून वापस ले लिए तो ये धरना प्रदर्शन अपने आप खत्म हो जाएगा, ये वापस जाने चाहिए। श्री गुरु नानक देव ने कहा था, कीरत करो यानी ईमानदारी की मेहनत से कमा के खाओ। आज उनके प्रकाशोत्सव के दिन कीरत करने वाले किसान की जीत हुई है। ये जीत किसी एक नेता और मोर्चे से ज्यादा उन लाखों करोड़ों किसानों की जीत है जिन्होंने पिछले एक साल में अपने दुख सुख, गर्मी सर्दी बरसात की परवाह किए बिना मोर्चों पर डट के पहरेदारी की। 700 से अधिक उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी जान इस आंदोलन के लिए लगाई। यह ऐतिहासिक जीत है क्योंकि किसान ने बता दिया है कि उसे इतिहास के कूड़े में नहीं डाला जा सकता। किसान इस देश के इतिहास और अतीत का नहीं, इस देश के भविष्य का भी हिस्सा है। आज अहंकार का सर नीचा हुआ है। वो सरकार जो संविधान की बात नहीं सुनती थी, कानून की बात नहीं सुनती थी, इंसानियत को देखने को तैयार नहीं थी, किसान के दुख सुख को देखने को तैयार नहीं थी, अंततः उसे किसान के हिम्मत के आगे झुकना पड़ा। चुनाव के कारण ही सही लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन दोस्तों, ये जीत अभी अधूरी है। हमारी दो बड़ी मांगे थी, ये जो मुसीबत थी तीन काले कानून, इन्हें खत्म किया जाए, लेकिन साथ ही हमने कहा था कि हमें अपने मेहनत का पूरा दाम मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग जो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2011 में उठाई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसकी कानूनी गारंटी मिले, ये भी हम चाहते हैं। मुसीबत तो सर से टल गई, लेकिन देश का किसान पूछता है, मुझे हासिल क्या हुआ? इसका संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा, संयुक्त किसान मोर्चा सम्मिलित मिलकर करेगा। मोर्चे का जो भी फैसला है हम सबके सरमाथे पे रहेगा। लेकिन याद रखिए, अहंकार अभी गया नहीं है, चालाकियां और तिकड़म अभी खत्म नहीं हुई है, संघर्ष जारी रखना है। निश्चय कर अपनी जीत करो के संकल्प के साथ। बधाई हो। गुरु पर्व के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में?
आज गुरु नानक जी के जन्मदिन पर, प्रकाश पर्व पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत लाख लाख बधाइयां। और जिस तरीके से आज इस पर्व के ऊपर मोदी जी ने बहुत बड़ा ये घोषणा की है, इसके लिए सभी किसान भाइयों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, पूरे प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज ये संदेशा देकर उन्होंने न केवल ये बताया है कि आप अपने घर खुशी खुशी जाएं, अपने परिवार के साथ ये पर्व को मनाएं, बल्कि जिस तरीके से हम उनको ये कानून समझाने में असफल रहे तो निश्चित तौर पे उनको बिठाया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि कृषि के लिए मोदी जी ने क्या क्या कदम उठाए हैं। अगर आज मैं बात करती हूँ 1.25 लाख करोड़ रुपए का, तो सिर्फ मुआवजा जो है वो हमारे किसान भाइयों को दिया गया है, और उसके अलावा बात करते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपया उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट के तहत डाला गया है, और बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। और मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से आज कृषि के उत्पादनों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा उसके ऊपर भी खर्च किया गया है। आज किसान और किसानों के हित के लिए जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और इस प्रकाश पर्व पर आप मंगलमय अपने परिवार में ये त्योहार मनाएं, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस आंदोलन को चलते 1.25 साल हो गया है, और साल भर से सड़कों पर बैठे हैं, और 700 किसानों से ज़्यादा की इसमें शहीदियां हो चुकी हैं, कुर्बानियां दे चुके हैं किसान। सबसे पहले तो हम उनके आगे नतमस्तक हैं, उन सभी शहीद किसानों को सलाम करते हैं। और जो किसान इस आंदोलन में मुकदमे बने, लठ खाए, सड़कों पर बैठे, तकलीफें झेली, उन सब के धन्यवादी हैं। और आज बड़े लंबे आंदोलन के बाद किसानों की एकता के आगे आज दुनिया का सबसे हठी आदमी आज झुका है, और ये 3 कानून वापस लेने की घोषणा की है। लेकिन अभी MSP पे कोई बात नहीं हुई है, और जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं या जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे तक की कोई बात अभी तक नहीं हुई है। तो इस सब पे आगे हम एक मीटिंग करेंगे, संयुक्त मोर्चा की मीटिंग बुलाएंगे आजकल में, और मीटिंग में अगला निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जो राजहट होता है वो राज भी तबाह करता है, लोगों को भी तबाह करता है जी। और आज जो BJP का ग्राफ है वो बहुत डाउन चला गया है। अगर यही बात वो पहले दिन मान गए होते तो BJP का ग्राफ बढ़ जाना था। और आज वो साल भर की 700 लोगों की सीढ़ियाँ देने के बाद उस बात को मान रहे हैं, तो आज अभी यहाँ रुक गया है तो अच्छा है। अगर अब भी ना मानते तो बिल्कुल जीरो हो जाती BJP। आज के इतना है कि चुनाव में अब उसको और नुकसान नहीं होगा जी, फायदा तो नहीं मिलेगा लेकिन और नुकसान नहीं होगा, बस ये हो जाएगा। तो सर एक और कैप्टन अमरिंदर के सिर तो इसका कैसे ताज बनेगा, वो तो बीच में है ही नहीं। वो तो कोई प्रधानमंत्री मोदी से नहीं, कुछ नहीं है, वो तो कहने की बातें हैं। उसके सिर कैसे ताज, ये तो उनके समर्थक ऐसे लिखते हैं जी, और कोई उनका देखिए खाली ये यूपी की क्या बात मानना, यूपी में तो अभी चुनाव बहुत देर में है जी। उसके पहले तो पंजाब में है, उसके पहले तो बाकी की जगह, वो बात नहीं है। तो सवाल इस चीज का है कि किसानों का दबाव इतना था कि BJP के जो अंदर के लोग थे वो कह रहे थे कि अब तो बिल्कुल पार्टी को खत्म करके मानने का क्या। देखिए आज जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लंबे संघर्ष के बाद और अपनी हठधर्मिता छोड़ी है और उन काले कानूनों को वापस लेने की बात कही है, ये तो स्वागत योग्य है। लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बाद यदि किसान को MSP ना मिले और MSP से नीचे किसान लुटता रहे तो भी किसान का भला नहीं होना। हमारी इसमें तीसरी मांग ये थी कि किसान को MSP मिले, MSP के ऊपर कानून बने कि MSP पे से नीचे कहीं किसान की खरीद ना हो। MSP मिलेगी तो ही किसान का भला हो पाएगा, इसलिए हमारी MSP की मांग भी इसके साथ जुड़ी है। बाकी अभी संयुक्त किसान मोर्चा इस सारे पे विचार करेगा, और विचार करने के बाद जो फैसला संयुक्त किसान मोर्चा लेगा उसकी हम सब अनुपालना करेंगे। और ये आज संघर्ष की जीत है, 700 से ज़्यादा जिन किसानों ने शहादत दी उनकी शहादत का परिणाम है, और इस सारे से एक देश को तस्वीर सामने आई है
कि कितनी हठधर्मिता अपना करके और देश का कितना बड़ा नुकसान करके और ये हठधर्मी पीछे हटे हैं। लेकिन इस सारे में अभी आंदोलन तभी समाप्त होगा जब पूर्ण रूप से किसान को MSP मिलेगी और किसान किस तरह सम्मान की जिंदगी इस देश में जी सके, इस प्रकार की बातों पे तमाम विचार होगा। आज तमाम देशवासियों को, देश के किसानों को, देश की एकता को मैं प्रणाम करता हूं और चलो देर आए दुरुस्त आए, आज भी उन्होंने माना कि कानून गलत थे और उनको वापस लिया है, तो आगे हमारा जो भी संयुक्त किसान मोर्चा करेगा उसकी हम अनुपालना करेंगे। जय किसान। देश के किसानों ने एक साल से ऊपर संघर्ष किया, आंधी बरसात तूफान को झेलते हुए बॉर्डरों पे बैठे रहे। सरकार ने कभी आंदोलन जीवी कहा तो कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, चीन से और पाकिस्तान से संबंध बताए, परंतु किसानों ने बता दिया कि शांतिपूर्ण संघर्ष रंग लाता है। जैसे महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी, किसानों ने भी उसी प्रकार से अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए इस आंदोलन के अंदर आम जनता साथ में जुड़ी। 700 से ऊपर किसानों ने शहादत दी। देश के प्रधानमंत्री को बहुत पहले ये फैसला लेना चाहिए था, इतनी शहादतें जो गई हैं। अंत में फिर भी मैं किसानों को बधाई देना चाहूंगा कि उनका संघर्ष रंग लेकर आया और देश की सरकार को झुकना। संसद का सत्र शुरू हो रहा है, पहले दिन ही ये बिल आना चाहिए ताकि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर पर वापस जा सके। तो यही कह रहा हूँ कि एक सप्ताह बचा है, संसद का सत्र शुरू हो रहा है, पहले दिन सरकार बिल लेकर आए इन बिलों को कैंसिल करने के लिए, ये बिल रिपील हो, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करे ताकि किसान सह सम्मान अपने घर पर वापस जा सके। गुरु पर ऊपर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनको उनका अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों की इस बात को जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ और उसके साथ अब वो वापिस गुरुपर्व पर अपने घरों पर लौटे और अपने परिवारों के साथ गुरुपर्व को मनाएं। पर सरकार की एक मैं कहूंगा कि लगातार सरकार ने किसानों के हितों के सुधारों के लिए काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो, सुधारों की प्रक्रिया के प्रति सरकार सदा कमिटेड रही है और आगे भी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करते हुए सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखेगी। जैसे हमने हरियाणा में भावांतर भरपाई को बढ़ाया, खरीद को सुनिश्चित किया। देव जी के प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए।